गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इससे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने जनरल जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, कैसे नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है, ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं, ये वीडियो डाली हुई है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारे अंदर सबसे एडवांस टाइप का है और उसको पहले थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं वो, उन तीन हेडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं उसको। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं सीएनएस। दूसरा आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पीएनएस। और तीसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसको एएनएस बोलते हैं। तो तीन तरह के हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तीन हेडिंग में इसको हम पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे आपको पता चल गया ना, सेंट्रल पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल पार्ट में क्या आ गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया हमारा ब्रेन एंड सेंटर वाला पार्ट। और पीछे हमारी क्या हो गई, यहाँ पर अगर आप टच करोगे तो आपको जो है एक हार्ड सी स्ट्रक्चर, एक जो है स्वेलअप स्ट्रक्चर दिखाई देती है, थोड़ा सा हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं बैकबोन। तो वो वहां पर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, वो होती है बैकबोन। जब आपको टच करते हैं तो पता चलता है बैकबोन, वो बैकबोन इस तरह से लगी रहती है और उनके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आती हैं नर्व्स। क्या आएंगी इसके अंदर, इनके अंदर आएंगी नर्व्स। और कौन कौन सी नर्व्स हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल वर्ड आ रहा है जो जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ कि भाई पल्मोनरी वर्ड लंग से रिलेटेड है, कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड है, रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड है, ऐसे क्रेनियल यानी क्रेनियम यानी हम यहाँ पर ब्रेन बॉक्स की बात कर रहे हैं। जो हमारा यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है हेड रीजन में, उसका जो बॉक्स है, उसकी जो कवरिंग है, उसको बोलते हैं क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स यानी जी ब्रेन जिसके अंदर बंद है तो उसको बोलते हैं क्रेनियम। तो वहां से जो नर्व्स अराइज हो रही है ब्रेन से, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। वो होती हैं 12 pairs, वो होती हैं 12 pairs। दूसरी हैं स्पाइनल नर्व्स आपको पता चल गई होंगी, स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होती हैं। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आ गया है कि कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो 31 pairs स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 12 pairs क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और इन्हीं के थ्रू जो है वो ब्रेन का कम्युनिकेशन होता है पूरे बॉडी के साथ, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो पूरी बॉडी में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जितने भी हमारी नर्व्स हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, इनके थ्रू ही पूरी बॉडी के साथ उसका कम्युनिकेशन होता है। फिर आता है एएनएस। तो एएनएस को अगर हम देखें तो एएनएस को डिवाइड करते हैं हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको भी शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ नर्वस सिस्टम। ये इससे भी हर एक ऑर्गन के अंदर जो है वो ब्रांचेस होती हैं, इसमें भी इनकी भी नर्व्स की। तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, ये ऑटोनॉमिक वर्ड आ रहा है, मीन्स ये अपने आप काम करता है, ये हमारे कहने से काम नहीं करेगा, ये अपने आप काम करता है। तो हर एक ऑर्गन के अंदर इसकी ब्रांच होती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक की। एक इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है, एंटागोनास्टिक मतलब एक दूसरे से अपोजिट। दोनों अपने आप वर्क करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। कैसे, मान लो सिंपैथेटिक ने क्या किया, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा दिया, हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो पैरासिंपैथेटिक क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा, उल्टा चलेगा। सिंपैथेटिक ने हार्ट बीट को बढ़ा दिया तो पैरासिंपैथेटिक उसको डिक्रीज कर देगा। दूसरा,
सिंपैथेटिक हमारी प्यूपिल को डायलेट करेगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ये तो आपने नोटिस किया होगा, बाकी चाहे किया ना हो बट ये तो आपने किया है। अगर आप पिक्चर हॉल में जाते हैं तो वहां पर आपको पहले कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल अंधेरा दिखता है, थोड़ी देर बाद आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्यूपिल डायलेट हो जाती है, तो वहां पर आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। और उसको फिर वापस से जब बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ग्लेयर जाती है, कुछ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि इतनी बड़ा साइज होता है प्यूपिल का। वापस से उसको कम करने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक उसको वापस से डायलेट कर देगा, यानी कंस्ट्रक्ट कर देगा। डायलेशन हुआ है तो यहाँ उसको क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट कर देगा, यानी वापस से उसकी नॉर्मल पोजिशन पे ले आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करके, उसके साइज को कंस्ट्रक्ट करके क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। ब्लड वेसल यानी जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसके फिर साइज को छोटा करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसको कम करने का काम करेगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एंटागोनिस्टिक इसको बोलते हैं। एक एक चीज को बढ़ाएगा तो दूसरा उसको कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्योंकि एड्रेनलिन की वजह से ये सारे काम बढ़ाता है और ये उसको कम करने के काम करता है। तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमिक, जो अपने आप काम कर रहा है, ऑटोमेटिक एक तरह से समझ लीजिए आप, ऐसे उसको याद रख लीजिए, ऑटोमेटिक अपने आप होने वाला। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में उसके बाद पेरिफेरल मतलब साइड वाला सारा, पेरिफेरल साइड में सब कुछ। तो क्रेनियल ब्रेन से, क्रेनियम वर्ड से, स्पाइनल स्पाइनल से पूरी बॉडी का कम्युनिकेशन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर का पार्ट, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड पीछे प्रेजेंट होती है, जो जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है यानी मेडुला, उसी के आगे कंटिन्यू करती है। और इसको कवर करने के लिए, यानी इस तरह से अगर वो वर्टिब्री है लगी हुई तो उसके बीच में से जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है वहां पे? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम इसके चारों तरफ लगी हुई है इस तरह से, और बीच में से ये क्या जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? एक तो ब्रेन के पास मैसेज को पहुंचाना और ब्रेन से मैसेज लाना, और एक आपने पढ़ा हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का काम तो है इसका, इसके अलावा टू एंड फ्रॉम जो मैसेज है ब्रेन के पास, वहां से होके जा रहा है और वापस वहां से जो मैसेज है वो ऑर्डर आ रहा है, वो वहां से आ रहा है। तो सारा कुछ कम्युनिकेशन में हेल्प करना और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कराना, ये सारा काम स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? यहाँ पीछे हमारे जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है मेड्यूला, उसके आगे कंटिन्यू करती है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब आता है हमारा ब्रेन, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन के पार्ट्स हम पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस। जो हमारा ब्रेन है जो प्रोटेक्टेड है यहाँ पर ब्रेन बॉक्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, और ये एक बोन से मिलकर बना होता है जिसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्रेन, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। अगर ब्रेन को भी हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर फोर ब्रेन यानी आगे वाला पार्ट, फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, और हाइंड ब्रेन पीछे वाला पार्ट। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट, हाइंड ब्रेन पीछे वाला पार्ट। मिड ब्रेन आपको ऐसे ऊपर से दिखेगा नहीं, और इसके फोर ब्रेन का फर्दर डिवीजन है। फोर ब्रेन के जो फर्दर डिवीजन है उसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे हम? ऑल्फैक्ट्री लोब, ऑल्फैक्ट्री लोब, फिर दूसरा आता है सेरिब्रम जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है, और तीसरा डायनसेफलॉन। तीन पार्ट है इसके, ऑल्फैक्ट्री लोब, सेरिब्रम, डायनसेफलॉन। सेरिब्रम यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन में भी जो है वो थ्री पार्ट्स हो जाते हैं। ऊपर वाला डायनसेफलन का पार्ट कहलाता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, मिडल वाला थैलेमस,
जो रिले सेंटर की तरह वर्क करता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है हाइपोथैलेमस। मेन आपके लिए जो है वो ये है हाइपोथैलेमस, जिसको आपको याद रखना है। डायनसेफेलन के 3 पार्ट्स हो गए, जो इसका रूफ है वो कहलाता है एपिथैलेमस, बीच वाला थैलेमस जिसके ऊपर पूरा सेरिब्रम रैप्ड होता है जो एक रिले सेंटर की तरह वर्क करता है, हाइपोथैलेमस नीचे वाला पार्ट है, हाइपो मीन्स नीचे वाला पार्ट, जो आपको याद रखना है वो हाइपोथैलेमस याद रखना है। मिड ब्रेन का फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, इसके 4 ऑप्टिक लोब्स हैं, इसके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं है, इसके अंदर 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो आई की और ईयर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, आई एंड ईयर के रिफ्लेक्सेस, आई एंड ईयर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। मतलब आई जैसे हमें अभी यहाँ पास की चीज दिख रही है, थोड़ी देर बाद हम दूर की चीज को फोकस कर लेते हैं, होता है ना ऐसा, पहले हम पास की चीज देख रहे हैं, अभी इमीडिएटली हम दूर की चीज देखने लगे, हम फोकस कर लेते हैं, तो उसको कंट्रोल करना। और हियरिंग साउंड में, अभी हमें कोई पास में यहाँ पर क्लास में कोई बोल रहा है तो सुनाई देगा, बाहर किसी फ्रेंड ने बुलाया तो उसकी आवाज भी हमको सुनाई देगी, तो इन सबको फोकस करना, इन सबको समझना, इन सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन का। इसका फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, इसके अंदर 4 ऑप्टिक लोब्स हैं और ये आई एंड ईयर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों पार्ट आप पढ़ेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट। पॉन्स मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, तो सेरिबेलम पॉन्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, तो इनको हम तीनों पार्ट को पढ़ेंगे और फोर ब्रेन के जो हमारे तीनों पार्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है, उसका डायग्राम भी देख लेते हैं और उनके फंक्शंस भी। चलिए,